अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अगले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच बड़ी रक्षा साझेदारियों पर चर्चा होगी। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी में इजाफा करने की प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में एक कार धमाका हुआ। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 53 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारण 14 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। रूस की राजधानी मॉस्को में 150 म्यूनिसिपल काउंसिल मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी की जमकर आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक बैठक में शिनजियांग में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठा। 64 देशों ने चीन के खिलाफ क्यूबा के प्रतिनिधि नेता के प्रस्ताव का समर्थन किया। चीन शिनजियांग में विगर मुसलमानों पर अत्याचार करता रहा है। पराग्वे की राजधानी में राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना से लड़ाई में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। हांगकांग की नेता कैरी लाम ने इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार को लेकर सहमति जताई। इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार के बाद हांगकांग को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 97 लाख के पार हो गई है। महामारी में 26 लाख 53 हजार से अधिक की जान गई है जबकि अब तक 9.5 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। ट्यूनिशिया में रूस की स्प्यूतनिक वी के साथ वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले राजधानी ट्यूनिस के स्वास्थ्य कर्मियों और मंत्रियों को वैक्सीन लगाई जा रही है।